जय श्री राम दोस्तों, SSC मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। आज 11 सितंबर के जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज बीइंग ऑब्जर्वड ग्लोबली। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब मनाया गया है, तो 9 सितंबर को मनाया गया है। अब किस लिए मनाया गया है, तो ये देखते हैं। शिक्षा के हमले को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 में पहली बार शिक्षा हमले बचाने के लिए 200 इतना अंतर्राष्ट्रीय दिवस को घोषणा किया था। इसमें 35 दिन का संकट प्रभावित रहने वाले देशों के लिए प्रभावित रहने वाले देशों के लिए 75 मिलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है कि बीच मिनिस्टर क्या है, कंडक्टेड ए वेबिनार ऑन द प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ आउटपुट्स आउटकम ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम जल जीवन मिशन, किसने किया है? तो अब इसका करते हैं क्या होगा, किस मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन आउटपुट के परिणाम योजना कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए वेबिनार आयोजन किया, किस मंत्री ने किया है? तो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने इसका आयोजन किया है, इस कार्यक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है, द नेशनल जल जीवन मिनिस्टर इज जल शक्ति कंडक्टर ए वेबिनार ऑन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ आउटपुट आउटकम ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम जल जीवन मिशन। द वेबिनार वाज अटेंडेड बाय अबाउट 2,500 स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक ऑफिशियल ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स यूटी। क्वेश्चन नंबर 3, वन हु फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, कौन है रेडियो एस्ट्रोनॉमी का पिता, कौन है? तो नरेंद्र मोदी को इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2-4 है, विच स्टेट लॉन्च आपका मित्र कॉम्बैक्ट फॉर यूजी कोर्स, किस राज्य ने आपका मित्र को मुकाबला करने के लिए यूजी कोर्स लॉन्च किया है, यूजी कोर्स के लिए? तो कौन सा देश, तो हरियाणा ने लॉन्च किया है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज लॉन्च्ड एजुकेशनल व्हाट्सएप कॉम्बैक्ट, ये व्हाट्सएप कॉम्बैक्ट है आपका मित्र, एंड ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन गवर्नमेंट एडेड एंड सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फॉर द न्यू एकेडमी सेशन 2020-2021। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, वर्ल्ड बैंक सिग्नेड $82 मिलियन लोन डील विथ विच स्टेट, किस राज्य से किया है $82 मिलियन लोन का,
किस राज्य के चलते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में फिर क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हरियाणा मित्र लॉन्च हुआ था और हिमाचल प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक से 82 मिलियन लोन का प्रस्ताव रखा है। हिमाचल गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड वर्ल्ड बैंक टूडे सिग्नल 82 बिलियन डॉलर लोन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट विच इज स्ट्रेंथन ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश बाई इम्प्रूविंग द कंडीशन सेफ्टी रिलाइजेशन एंड इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड ऑफ स्टेट रोड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, वन विच टू नेशन एग्री कोलाबोरेट विथ इंडियन इन डेवलपिंग 5G तो किस देश के साथ, दो नेशन है तो USA और इजराइल, ऑप्शन नंबर सी है USA और इजराइल, जो आपको ठीक इसके पहले में बताए थे इस वीडियो के पहले। कौन सा देश, दो देश जो 5G प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए भारत के सहयोग पर सहमति हुए थे, तो कौन कौन देश हैं, तो USA और इजराइल जो भारत में 5G प्रौद्योगिकी विकसित पर सहमति जताया है। तो इन एट सेट बैक फॉर चाइना टू डेवलप पेड नेशन इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट हैविंग बिगन कोलाबोरेट विथ इंडियन इन डेवलपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी द थ्री कंट्रीज हैव एग्रीड टू वर्क टुगेदर फॉर डेवलपिंग ए ट्रांसपेरेंट ओपन रिलायबल एंड सिक्योर 5G कम्युनिकेटिव। अब इसका हिंदी है क्या आपको ठाकि समझ में आ जाए, चीन के लिए एक और झटका है, चीन के लिए क्या है, सेट बैक मीन झटका, चीन के लिए एक और झटका है। दो विकसित देश का डेवलप नेशन इजराइल यूनाइटेड स्टेट हैव बिगन कोलैबोरेट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने उभरती प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी विकसित में भारत के सहयोग करना शुरू कर दिया है। तीनों देश पारदर्शी खुले एवं विश्वसनीय एवं सुरक्षित 5G संचार नेटवर्क विकसित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत हुआ है। सुरक्षित और खुले विश्वसनीय सुरक्षित और नेटवर्क काम करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, विच बैंक लॉन्च्ड सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड फॉर HNIS, कौन सा बैंक जो है वीजा HNIS के लिए वीजा डेबिट कार्ड पर सिग्नेचर लॉन्च किया है, तो कौन बैंक है, बैंक NHIS सिग्नेचर डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो किसने किया है, तो बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। अब बैंक ऑफ इंडिया BUI ऑन मंडे को लॉन्च सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड फॉर ए एफ्लुएंट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल मेंटेनिंग एन एवरेज क्वार्टरली बैलेंस ऑफ 10 लाख टू एबव, 10 लाख के ऊपर के लिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ट्रेड इनवॉय टू इंडिया बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, किसने किया है, ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा भारत में व्यापार दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ऑस्ट्रेलिया के सरकार द्वारा भारत में व्यापार दूत किसे नियुक्त किया गया है, तो चलते हैं दोस्तों कौन है, ऑप्शन नंबर बी माथेव
हाइडेन को, माथेव हाइडेन को नियुक्त किया गया भारत में व्यापार दूत के रूप में। ये कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया सरकार के हैं, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया के सरकार। अपॉइंटेड फॉर्मर क्रिकेटर, पूर्व खिलाड़ी माधव हाइडेन है, जो पूर्व खिलाड़ी हैं। इंडियन ऑर्गन पॉलिटिकन लीजा सिंह एज ए ट्रेड इन्वॉय ऑफ एडवांसिंग बिजनेस टाइज बीट इंडिया। ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ हेडन और भारतीय मूल के राजनेता लीजा सिंह को राजदूत नियुक्त किया गया है। यह परिषद भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के विदेश एवं आर्थिक नीतिगत हितों बढ़ाने के लिए भूमिका निभाती है। ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद बोर्ड में 3 नई नियुक्ति की घोषणा हाल ही में की गई। अशोक याकूब की कुर्सी के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है, वो शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, विच कंपनी इंश्योरेंस ब्रोकर लॉन्च डिजिटल इंश्योरेंस पोर्टल पे बीमा। पे बीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सा कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है? तो इंश्योरेंस कंपनी महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी ने ये लॉन्च किया है। महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर हैज लॉन्चेड ए डिजिटल इंश्योरेंस पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका क्या नाम है? तो पे बीमा है, डेट बी हेल्प, जो हेल्प करेगा कस्टमर को डायरेक्टली बाय इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन। इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने के लिए डायरेक्ट ग्राहक को सहायता करेगा। इट इज एन इंट्रैक्शन और आकर्षक है। मोनी कंट्रोल जेफ डी दरवे मानागिंग डायरेक्टर एमडी कौन है? तो एमडी जयदीप दरवे हैं। महिंद्रा इंश्योरेंस बुकर सेड पे बीमा बिल प्रूव्ड प्रोवाइड एंड टू एंड सर्विस फ्रॉम प्रोडक्ट सेल टू सर्विसिंग एंड क्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, विच ऑथोरिटी सेड इट, कौन सा प्राधिकरण जो कहा है कि एन एडवांस स्टेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI पैरामीटर डैशबोर्ड इन रैंक टू रैंक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। किस पदाधिकरण ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित केंद्रशासन के रैंक के लिए बहुआयामी गरीब सूचकांक पैरामीटर डैशबोर्ड तैयार करने का एक अंतिम चरण है। किसने कहा है? तो नीति आयोग सेड इट एट एन एडवांस स्टेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पैरामीटर डैशबोर्ड टू रैंक स्टेशन एंड यूनियन टेरिटरी अलोंग विद ए स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान्स। द आयोग विच इज नोडल एजेंसी एंड लिविंग द मोनिटेशन मैकेनिज्म ऑफ द ग्लोबल MPI टू ड्राइव रिफॉर्म हैज सेट अप ए कोऑर्डिनेट कमिटी कंपेयरिंग मेंबर फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट हिज रिगार्ड द मीटिंग कोर्स हेल्प इट फर्स्ट मीटिंग ऑन 2 सितंबर। अब इसका क्या है मतलब? नीति आयोग ने कहा कि राज्य सुधार कार्य के साथ साथ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक के बहुआयामी गरीबी सूचकांक पैरामीटर डैशबोर्ड तैयार करने के लिए यह एक अंतिम चरण में है। सुधार को चलाने के लिए ग्लोबल MPI की निगरानी
तंत्र का लाभ उठाने के लिए नोडल एजेंसी रहे आयोग ने इस संबंध में विभिन्न मंत्रालय और विभागों को सदस्य को मिलाकर एक समन्वय समिति का गठन किया है। समिति ने 2 सितंबर को अपनी पहली बैठक आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, हु टू इनेगुरेट पत्रिका गेट इन जयपुर, कौन है जयपुर में पत्रिका गेट का इनेगुरेट, इसका मीन्स क्या होगा? जयपुर में पेटिका गेट का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी ने जयपुर में पेटिका गेट का उद्घाटन किया है। अब ये क्या है ये जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को 11 बजे सुबह एक आभासी समारोह पत्रिका गेट का उद्घाटन किए हैं करेंगे। जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग में स्थित ये पत्रिका गेट उद्घाटन में पत्रिका के द्वारा द्वार के रूप में एक नए पर्यटन स्थल का शुरुआत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, क्या है, हु लॉन्चेड स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारी के लिए स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो प्रणाली किसने शुरू की है? तो इसका प्रणाली का शुरुआत किसने किया है, तो इस प्रणाली का वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किए हैं। अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्ड ऑनलाइन विंडो स्पैरो प्रणाली का शुभारंभ किया। स्पैरो प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अधिक पारदर्शिता लाना, संक्रमण के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट के नुकसान से बचना, बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना और प्रदर्शन मूल्यांकन को समय पर पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, वन हु ऑथर ऑफ द बुक ब्रेक द कोकून @40, ब्रेकिंग द कोकून @40 बुक का लेखक कौन है? तो इस बुक का अब लेखक कौन है, इस बुक का लेखक राधा एम नैर है, कौन है, तो राधा एम नैर है। अब इसके बारे में अच्छे से विस्तार से कर लेते हैं, क्या है राधा, द बुक राधा नायर द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेकिंग द कोकून @40 हाल ही में जारी किया गया है, रिसेंटली रिलीज द ब्रेकिंग द कोकून @40 उसने जीवन के चुनिंदा घटनाओं का आनंद में संग्रह किया जिसमें घटनाओं के सेट होने के समय का भी दर्पण होता है। तो क्या है राधा के द्वारा, ये राधा ने राधा के द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेकिंग, कौन है, बुक का टाइटल क्या है,
द ब्रेकिंग कार्टून जो हाल ही में रिलीज किया गया है। अब ब्रेकिंग द कार्टून एट 14 जो क्या है, तो उसके जीवन से चुनिंदा घटनाओं का एक आनंदमय संग्रह, डिलाइटफुल आनंदमय कलेक्शन संग्रह है। अब क्या है, बीच अल्सो होल्ड ए मिरर टू द टाइम एंड इंडेक्शन आर इन सेट, जिसमें घटनाओं के सेट होने का समय दर्पण उनका भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 15 क्या है, बीच ऑर्गेनाइजेशन है कीजेज द बैंकिंग कॉरपोरेशन बाय द आदित्य बिरला आइडिया पेटीएम ABIP का फुल फॉर्म क्या, आदित्य बिरला आइडिया पेटीएम बैंक अंडर बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 विथ एफेक्ट इन जुलाई 28, 2020। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा करते हैं, जीरो से लेकर के ताकि करें इंग्लिश आपको अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा कि किस संगठन ने, विच ऑर्गेनाइजेशन से, किस संगठन ने जुलाई 2020 में बैंकिंग विनियम प्रणाली 1919 के है ना क्या जुलाई इतना से बैंकिंग विनियम प्रणाली अधिनियम के तहत आदित्य बिरला पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा कार्यों को बंद कर दिया गया। क्या किया गया, कीजेज मतलब कार्यों को बंद कर दिया गया है। अब किनके द्वारा किया गया है, कौन सा संगठन था, तो अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर एक जो इसका RBI संगठन ने बंद किया है। अब ये इसके बारे में क्या है, तो ये जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कब किया है, तो हैज बीन कीजेड द बैंकिंग ऑपरेशन बाय आदित्य बिरला एट पेटीएम बैंक अंडर बैंकिंग रेगुलेटिंग इतना के तहत बीट एफेक्टेड फ्रॉम जुलाई इतना से। कह रहे हैं कि भारत ये रिजर्व बैंक ने 28 जुलाई 2020 के बैंकिंग विनियम अधिनियम के तहत आदित्य बिरला आइडिया पेटीएम पेमेंट द्वारा बैंकिंग कार्यों को बंद कर दिया गया। ये किसने किया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। फिर क्या है, तो नाउ बैंक कंपनी कुड नॉट बी एबल वर्क सक्सेसफुली एंड अप्लाई द वॉलंटरी बिडिंग अप बाय द वोडाफोन आइडिया विच होल्ड्स 51% इन ABIP बैंक एंड द रिमेनिंग 49 ग्रासिम इंडस्ट्री। अब बैंक कंपनी सफलतापूर्वक नहीं काम कर सकती है और अप्लाइड क्यों कर सकती, इसके द्वारा स्वैच्छिक समापन का आवेदन किया गया है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने ABIP में 11% और ग्रासिंग इंडस्ट्री लिमिटेड शेष कितना 49% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 विच फूड प्रोसेसिंग यूनिट इनग्रेटेड विच स्टेट, कौन सा राज्य में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन हुआ है, तो कौन सा राज्य में उद्घाटन किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया। क्या, तो ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। अब ये क्या है, तो इसके बारे में चलते हैं विश्लेषण की ओर। श्रीमती हरस्मिता खदौल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनॉग्रेटेड
ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन उत्तर प्रदेश। श्रीमती खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। विथ द इनॉग्रेशन ऑफ दिस फूड प्रोसेसिंग यूनिट 500 फार्मर्स विल बी बेनिफिट एंड इट इज एक्सेप्टेड टू लिवरेज एंड इन्वेस्टमेंट फॉर 15.33 crore। मीन्स क्या, इस खाद प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन से 5,000 किसानों को क्या हो जाएगा, बेनिफिट होगा। एंड इससे क्या होगा, इससे 50.33 crore रुपये के निवेश होने का उम्मीद है। अब कौन क्या तो ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में किनके द्वारा किया गया था, हरमीत कौर बादल के द्वारा, जो क्या कौन मंत्री हैं, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, खाद्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच कंपनी हैज पार्टनरेड विथ साइबर पीस फाउंडेशन टू क्रिएट अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी अमंग स्टूडेंट। अब ये क्या है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ साइबर फाउंडेशन पीस क्रिएट अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी अमंग, किस कंपनी ने छात्र के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी किया, कौन सा वो कंपनी है, तो वो भाषा ने किसके साथ समझौता किया है, तो साइबर पीस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। फेसबुक का मालिक और व्हाट्सएप हैज पार्टनरेड विद साइबर पीस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है स्टूडेंट के बीच साइबर सुरक्षा पर जागरूकता पैदा करने के लिए। द पार्टनर एम पार्टनर्ड का लक्ष्य टू रीच अबाउट 15,000 स्टूडेंट को इन 5 इंडियन स्टेट, 5 भारतीय राज्यों में 15,000 स्टूडेंट को पहुंचाने का लक्ष्य है। इंक्लूड इसमें कौन कौन देश हैं शामिल, दिल्ली है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। बाय इंड दिस ईयर अंडर द फर्स्ट फेज पैन इंडिया प्रोग्राम में, प्रथम फेज में पैन इंडिया प्रोग्राम के तहत इस ईयर में शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, विच कंट्री इज होस्ट FAO एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस, कौन सा कंट्री करेगा एशिया पैसिफिक धार्मिक कॉन्फ्रेंस, तो कौन सा देश करेगा, तो बांग्लादेश करेगा। अब इसके बारे में चलते हैं, क्या इसका विश्लेषण कर लेते हैं। बांग्लादेश एशिया के 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन संयुक्त खाद्य एवं कृषि संगठन FAO प्रांत का मेजबानी करेगा, कौन करेगा, तो बांग्लादेश एशिया के क्षेत्रीय 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन है। और 2022 में पहली बार 1973 के संगठन में शामिल होने के बाद 2020 में पहली बार हो रहा है। जॉनी बक्सी क्वेश्चन नंबर 18, जॉनी बक्सी पासेड रिसेंटली बिलोंग टू विच प्रोफेशन, जॉनी बक्सी जो अपने पेशे कौन से पेशे से संबंधित है, जॉनी बक्सी तो कौन से पेशे से हैं, तो जॉनी बक्सी हैं जो
डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों हैं। जो कौन है? तो जॉनी बक्सी जो है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों है। ऑप्शन नंबर ए और तीनों सी दोनों होगा। वेटरन प्रोडक्टर डायरेक्टर जॉनी बक्सी पासिड अबे जो उनका निधन हुआ हाल में ही, ही मोस्टली वर्कड एज प्रोड्यूसर बहुत से प्रोड्यूसर बैकिंग फिल्म सच एज मंजिल और भी हैं। ये फिल्म उनका और रावण बनाए थे। फिर तेरी कहानी याद आई 1993 में तो ही है डायरेक्ट इन्हीं के निर्देशक पर टू फिल्म डायरेक्ट क्या है डाकू और पुलिस और क्या है खुदाई। इन्हीं इन्होंने नहीं जॉनी बॉक्सी नहीं इनका डायरेक्टर किए थे और प्रोड्यूसर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। एल ई ए एफ सिग्नेड एग्रीमेंट फॉर फूड प्रोसेसिंग विथ विच स्टेट कौन सा राज्य जिसे एल आई पे हस्ताक्षर से फूड प्रोसेसिंग में है। एल ई एफ टी एलईएफटी ने किस राज्य सरकार के खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया था। किस राज्य एलईएफटी ने तो आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया। आंध्र प्रदेश क्या है द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश का सरकार और लॉरेंस एग्रो प्रोसीडिंग एलईएफ है। लॉरेंस एलईएफटी का फुल फॉर्म क्या है लॉरेंसेडेबल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया हैज सिग्नेड विथ एग्रीमेंट टू एक्सपेंड द क्रॉप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन स्टेट अपने राज्य में खाद्य प्रसरण को फैलाने के लिए सहमति से हस्ताक्षर किए हैं। द टॉप स्टेट इन प्रोडक्शन मैंगो लाइमन लाइम टोमेटो ईग बनाना चिली सिर्फ एंड सेकेंड प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट मेज पेडी इत्यादि में टॉप स्थान पर है। कौन है तो आंध्र प्रदेश है। तो आम में है लाइम में है टोमेटो में ईग बनाना चिली सिर्फ और दूसरा में क्या दूसरा स्थान में है दूसरा स्थान पर उत्पादन करने में आंध्र प्रदेश। तो दूसरा स्थान में क्या है तो ग्राउंडनट बादाम और मेज और पेडी उत्पादन करने में देश भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 लास्ट है। फिंच प्रोजेक्ट इंडियन इकोनॉमिक टू कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हाट परसेंट इन द बाय एफ बाय 21। अब ये क्या और अच्छा विस्तार कर लेते हैं। फिंच ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच 2015 में कितने प्रतिशत तक अनुबंधित किया था। फिंच ने एक संस्था जितने कितने प्रतिशत तक अनुबंधित किया था तो ऑप्शन चलते हैं कौन सा ऑप्शन होगा सी 10.5 तक अनुबंधित किया था। अब ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। फिंच रेटिंग में मंगलवार को भारत के बाई एफ बाई 20 में प्रशिक्षण के 10% से 5% होने का अनुमान लगाया है फिंच ने। यह कहते हुए कि वायरस के निरंतर प्रसार और देश भर में छिटपुट बंधु के लागू होने से आर्थिक व्यवस्था क्या है बाधित है। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।